और बार आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि एक तो मिड कैप आईटी वैरायटी है आपका, केपीआईटी, परसिस्टेंट एलटी, माइंडट्री, ये वाला एक वैरायटी है जहाँ पे ग्रोथ इतना बड़ा इशू नहीं है, भले ही वैल्यूएशन एक टाइम पे हो गए होंगे बट ग्रोथ इशू नहीं है। दूसरी में जो बड़ी कंपनीज हैं, इन्फोसिस, TCS, उनका ग्रोथ कुछ खास निकल के नहीं आ रहा है, मतलब जिस पे वो हमेशा प्रीमियम डिजर्व करते थे। इनफैक्ट खबर तो ये भी है कि TCS में जो ये बड़ा एग्जिट हमने देखा वो इसीलिए था कि शायद उनके नंबर्स ग्रोथ को लेके उतने अच्छे नहीं आ पाए। तो ग्रोथ को आप दोनों पॉकेट्स में कहाँ देख रहे हैं और क्या आप मिड कैप आईटी बेट करेंगे हाई ग्रोथ के लिए? सो क्लियरली मिड कैप आईटी का ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री लार्ज कैप आईटी से थोड़ा सा बेटर दिखेगा बिकॉज ऑफ द शीयर साइज ऑफ द बेस। लार्ज कैप आईटी का बेस बहुत बड़ा है, लार्ज कंपनीज $10 बिलियन रेवेन्यू प्लस पे हैं, वहाँ छोटी कंपनीज वेराइटी ऑफ साइजेज में मिलती हैं, सो क्लियरली वहाँ पे ग्रोथ बेटर दिखेगा। बट ओवरऑल डिमांड लैंडस्केप में थोड़ा सा सॉफ्टनेस है बिकॉज जो कंज्यूमर है इनके सर्विसेज के, लार्जर प्रोडक्ट कंपनीज हुए या लार्जर कंज्यूमर कंपनीज हुए, जो लार्जर BFSI कंपनीज हुए, बैंक इज अ बहुत बड़ा सेगमेंट है US बैंकिंग इनके कस्टमर सेट का, मेरे ख्याल से वो एक थोड़ा सा असमंजस में है जैसा कि आप देख ही रहे हैं प्रेस में है, SVB हो या और बैंक रिलेटेड हो, मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टेबिलिटी आनी पड़ेगी वहां बिफोर हम एक आईटी पे एक ओवरवेट पोजीशन बनाने की कोशिश करें। लेकिन इन द मीनवाइल मिड कैप आईटी यस सिलेक्टिवली ऑब्वियसली कैन ऑफर हायर ग्रोथ रेट्स देन लार्ज कैप आईटी, देयर इज नो डाउट अबाउट। बाजार में इतनी ज्यादा उठापटक दिख चुकी है कि अब उन स्पेसेस पर नजर डालनी चाहिए जो कि इस वक्त सेंटिमेंट्स को देखते हुए परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ पॉजिटिव कन्वेक्शन दिखा सकते हैं। अब क्रूड ही देख लीजिए, एनर्जी पैक में जो लगातार गिरावट नजर आ रही है, ब्रेंट क्रूड 72-73 के आसपास, क्रूड करेक्शन के बेनिफिशियरीज पर क्या आपकी नजर है, लाइक्स ऑफ सीमेंट, पेंट, इन तमाम स्टॉक्स में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी बनाएंगे? देखिए क्रूड का गिरना ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है बिकॉज क्रूड हमारे लिए एक इंपोर्टेड आइटम है और इन्फ्लेशन इंपोर्ट करता है क्रूड का बढ़ना, सो क्रूड का गिरना ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट कुछ डायरेक्ट बिजनेसेस सिग्निफिकेंट बेनिफिशरीज रहते हैं, सारे कंज्यूमर बिजनेसेस, सारे केमिकल बिजनेसेस, सारे पेंट बिजनेसेस ये लार्जली क्रूड डेरिवेटिव रॉ मटेरियल यूज करते हैं, सो क्लियरली कंज्यूमर बिजनेसेस को इसका फायदा है, पेंट्स को तो डायरेक्ट फायदा है। इसके अलावा ये क्रूड का गिरना और अगर उसके वजह से पेट्रोल और डीजल प्राइसेस नीचे आएंगे तो हाउस होल्ड इनकम पे भी उसका इफेक्ट आता है, ओवरऑल कंजम्पशन पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो मैं कहूंगा कि क्रूड के डायरेक्ट प्लेज हैं, APIs हैं, केमिकल मेकर्स हैं, बट इन जनरल क्रूड का नीचे आना इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छा है। बट उसका फ्लिप साइड ये भी है, क्रूड का नीचे आना एक ये भी रिफ्लेक्शन है कि शायद ग्लोबल डिमांड नीचे आ रही है, सो वो भी देखना पड़ता है बिकॉज क्रूड ब्रॉडली जनरली वीक होना एक ग्लोबल स्लोडाउन को रिफ्लेक्ट करता है, बट हमारी इकोनॉमी के लिए क्लियरली बेनिफिशियल है, चाहे वो डिस्पोजेबल इनकम हो जो कंजम्पशन पे शो करेगा, वो कंज्यूमर स्टेपल्स, पेंट्स, केमिकल्स, API, सब पे उसका क्लियर बेनिफिट आता है।